वेलकम टू स्टडी जोन। आज है 9 अगस्त 2018 और इस वीडियो में मैं आपसे 9 अगस्त 2018 के करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें। और इस वीडियो के PDF फाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लास्ट में मैं आपसे कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन में से क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। आपका पहला क्वेश्चन है, इंदिरा कृष्ण मूर्ति नुई ने हाल ही में पेप्सिको के CEO पद से त्याग पत्र दे दिया, वे किस वर्ष इस कंपनी की CEO बनी थी? तो इसमें आंसर आएगा, इंदिरा नुई को पेप्सिको का CEO अक्टूबर 2006 में बनाया गया था और वह इस पद पर लगभग 12 साल से बनी हुई है। इंदिरा कृष्ण मूर्ति नुई से जुड़े आपके एग्जाम्स में और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इंदिरा कृष्ण मूर्ति नुई पेप्सिको के इतिहास की पहली महिला CEO थी, तो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि पेप्सिको के इतिहास की पहली महिला कौन थी? तो आपका आंसर होगा इंदिरा कृष्ण मूर्ति नुई। और इंदिरा कृष्ण मूर्ति नुई का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को चेन्नई में हुआ था। चेन्नई तमिलनाडु राज्य की राजधानी है और उन्होंने 1976 में कोलकाता स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया और उसके बाद अमेरिकी हेल्थ केयर कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन में नौकरी की। और नुई ने 1994 में पेप्सिको को ज्वाइन किया था। इसी कंपनी में 2001 में उन्हें चीफ फाइनेंस ऑफिसर के पद पर प्रमोशन दिया गया। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंदिरा कृष्ण मूर्ति नुई ने पेप्सिको को किस वर्ष में ज्वाइन किया था? तो उन्होंने 1994 में पेप्सिको को ज्वाइन किया था और 2006 में वो इस कंपनी की CEO बनी थी और वो पहली महिला CEO थी। और इंदिरा कृष्ण मूर्ति CEO के पद पर अक्टूबर 2006 में नियुक्त की गई थी और इस पद पर वह लगभग 12 साल से बनी हुई है। और 2015 में इंदिरा कृष्ण मूर्ति नुई को फॉर्च्यून की लिस्ट में दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में दूसरा स्थान मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागासाकी पर परमाणु बमबारी किस दिन की गई थी? तो इसमें आंसर आएगा 9 अगस्त 1945 को। इसमें आपके एक डेट और है, 6 अगस्त 1945। आपको ये दोनों डेट याद रखनी है। 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था, जिसे लिटिल बॉय का नाम दिया गया। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर फैटमैन परमाणु बम गिराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा विश्व का पहला थर्मल बैटरी प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा, आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा। और यह भारत स्टोरेज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित होगा और यह आंध्र प्रदेश के अमरावती में आरंभ किया गया है। विश्व का पहला थर्मल बैटरी प्लांट, यह संयंत्र मई 2019 तक काम करना आरंभ कर देगा और भारत स्टोरेज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की बैटरी तैयार करने के लिए सोच रहा है और वर्ष 2025 तक संयंत्र की क्षमता 10 गीगावाट होने का अनुमान है। और थर्मल बैटरी ऊर्जा उत्पादन के वैकल्पिक स्रोतों या वैकल्पिक ऊर्जा यानी अल्टरनेटिव एनर्जी ऊर्जा के उन सभी स्रोतों को कहते हैं जिसमें फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ऊर्जा का विकल्प हो, जैसे कि विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी एक्सेट्रा। और इनकी उपस्थिति से फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम होगी और इसका लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा और खेल मामलों के राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने महिला पर्वतारोही दल को किस पर्वत के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया? तो इसमें आंसर आएगा, माउंट मनीरंग के लिए। और माउंट मनीरंग हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसकी हाइट है 6593 मीटर। और माउंट मनीरंग अभियान पर निकले 19 सदस्यीय महिला पर्वतारोही दल की अगुवाई जानी मानी पर्वतारोही बिमला नेगी कर रही है और बिमला नेगी 1993 में माउंट एवरेस्ट अभियान पर गए महिला दल में भी शामिल थी। इससे आपके एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन निकल के आते हैं कि माउंट मनीरंग किस स्टेट में स्थित है? आंसर आएगा, हिमाचल प्रदेश में। या बिमला नेगी किस फील्ड से जुड़ी है? तो आपका आंसर आएगा, बिमला नेगी एक पर्वतारोही है। और युवा और खेल मामलों के राज्य मंत्री है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बोर्ड में शामिल किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा एस गुरुमूर्ति को या स्वामीनाथन गुरुमूर्ति को। नेक्स्ट, इसमें आपको जो क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई थी और 1937 में इसका ट्रांसफर मुंबई में कर दिया गया था। तो इसका मुख्यालय मुंबई में। नेक्स्ट, इसमें आपको क्वेश्चन आता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर है उर्जित पटेल। और नेक्स्ट आता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था और इसके बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने कितने जिलों को रूसा के लिए चिन्हित किया है? तो इसमें आंसर आएगा 117 जिलों को, रूसा यानी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। अब इसमें आपके नीति आयोग से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? ये क्वेश्चन है, जैसे नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट है, इसकी स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट आता है, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट आता है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है डॉक्टर राजीव कुमार। नेक्स्ट आता है, नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ है अमिताभ कांत। ये सभी क्वेश्चन आपको याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई ने हाल ही में किस मोबाइल ऐप और माईकॉल को उमंग प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा DND 2.0 को। और यह ऐप अनचाहे कॉल से छुटकारा पाने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी यानी ट्राई ने DND 2.0 ऐप को लॉन्च किया है और इस ऐप से उमंग ऐप के प्लेटफॉर्म पर यूज किया जा सकता है और ट्राई ने अपनी माईकॉल और DND 2.0 ऐप को उमंग ऐप से इंटीग्रेट कर दिया है। नेक्स्ट आता है ट्राई की फुल फॉर्म, जो एग्जाम में आपकी पूछी जा सकती है। तो ट्राई की फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है कि ट्राई के चेयरमैन कौन है? ट्राई के चेयरमैन है RS शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत स्थित बैंकों हेतु वित्त वर्ष 2018-19 के लिए APY यानी अटल पेंशन योजना रणनीति से समीक्षा बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई? तो इसमें आंसर आएगा बेंगलोर में, और बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है और इसका उद्देश्य वित्त वर्ष 2018-19 के लिए तय लक्ष्यों और इनकी प्राप्ति के लिए बैंकों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों पर चर्चा करना था और वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 10 लाख से भी अधिक खातों को संगठित किया गया है और अटल पेंशन योजना के तहत कुल सदस्य संख्या अब 1.09 करोड़ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सफेद सीमेंट की जरूरत को पूरा करने के लिए खनन पट्टे को मंजूरी के लिए FAG MIL को किस राज्य सरकार से आशय पत्र प्राप्त हुआ है? तो इसमें आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश सरकार से। FAG MIL यानी FCI अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा यूकेटेट का संबंध किससे है? तो इसमें आंसर आएगा यह एक नई प्रकार की धातु है। स्टार्टिंग में देखने पर यह एक सोने के पत्थर जैसा लग रहा था, लेकिन जब बाद में इसके ऊपर रिसर्च की गई तो पाया गया ऐसी कोई भी धातु पृथ्वी के ऊपर धरती के ऊपर प्रेजेंट नहीं है और इसको यूकेटाइट का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह साइबेरिया के यूकेटिट रीजन में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत प्रयास 2018 नामक अभ्यास की शुरुआत कहाँ की गई? तो इसमें आंसर आएगा काठमांडू नेपाल में। और 20 एशिया प्रशांत देशों के लगभग 270 कर्मचारी इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं, जिसमें संयुक्त रूप से नेपाली सेना और संयुक्त राज्य अमेरिका प्रशांत कमांड द्वारा इसे आयोजित किया जा रहा है और नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं खड़ग प्रसाद शर्मा ओली और नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति और नेपाली सेना के मुख्य कमांडर हैं विद्या देवी भंडारी और नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का आयोजन किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश राज्य में।
और रावी नदी में मिंजर के विसर्जन के साथ ही मिंजर मेले का समापन हो गया और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में शहर में एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित एक राज्य है और हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 21 तारीख को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया गया, तो इसमें आंसर आएगा 7 अगस्त को, और यह तीसरा राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस या हथकरघा दिवस था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हथकरघा उद्योग के महत्व और आमतौर पर देश के सामाजिक आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता फैलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा देश का सबसे प्रदूषित शहर किसे बताया गया है, तो इसमें आंसर आएगा गुड़गांव को, और अरब प्रायद्वीप में उठे डस्ट स्टॉर्म से दिल्ली NCR में हवा में धूल के कण बढ़ गए हैं, और डस्ट स्टॉर्म 27 जुलाई को ओमान में शुरू हुआ था और अगले कुछ ही दिनों में इसने अरब सागर में प्रवेश किया और अब ये धूल के कण पश्चिमी भारत और दिल्ली NCR में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉलीवुड फिल्म हल्का हाल ही में खबरों में थी, यह फिल्म मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित है? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप एस पुरी ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के सहयोग से स्वच्छ भारत मिशन पर बनी फिल्म हल्का की आधिकारिक संगीत ट्रेलर और पोस्टर लॉन्च किया और इसका लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक सभी नगरों और शहरों को खुले में शौच से मुक्त बनाना है, तो इसमें आपका आंसर होगा भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलीदाता सूचना प्रबंधन प्रणाली को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो इसमें आंसर आएगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने, और केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग जहाजरानी जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण के मंत्री हैं नितिन गडकरी, और इसको लॉन्च करने का उद्देश्य है निर्माण और पूर्व गतिविधियों से संबंधित बोली प्रक्रिया और भूमि अधिग्रहण के कार्यों में तेजी लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 123वें संवैधानिक संशोधन विधेयक 2018 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से पॉइंट ठीक है? आपका पहला पॉइंट है, यह पिछड़ा वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट है, पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग गृह मंत्रालय के तहत एक संस्थान के रूप में काम करेगा, तो इसमें आपका पहला पॉइंट ठीक है कि यह पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। यह क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन विधेयक के तहत प्रदान किया गया है, तो आपका आंसर होगा 123वें संवैधानिक संशोधन के तहत। क्विज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश पर फिर से कड़े प्रतिबंध लगाते हुए दुनिया के अन्य देशों पर भी दबाव बढ़ा दिया कि वे उस देश से दूरी बना ले? आपके ऑप्शंस हैं ईरान, इराक, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट परियोजना का क्या नाम है? आपके ऑप्शंस हैं तेजस, अग्नि, आकाश और सूरज। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही आप हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस लिंक पर जाकर आप हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट पा सकते हैं।